मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। इस देश में अद्भुत मशीनें हैं जो वेस्ट खाकर दूध दे देती है कि नहीं? गाय, भैंस, बकरी वेस्ट खाती है, आप खा सकते हो घास, आप मानते हो ये वेस्ट है, वो वेस्ट को ही खाती है और बेस्ट क्वालिटी दूध दे देती है। वो दूध आप पीते हो, विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है, ताकत आती है। वो दूध अगर पत्थर में डाल दो तो और ताकत बढ़ा देता है पत्थर की, और वो पत्थर से पत्थर को चिपका दो बीच में रख के तो 500 साल टूटता है। ये है टेक्नोलॉजी। अब जरा सोचो और विचार करो कौन सी टेक्नोलॉजी है। दूध और पत्थर का इस्तेमाल करके चूना बनाना, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है कि आप प्रकृति का, नेचर का कोई भी नुकसान नहीं करते। और ये जो सीमेंट बनाने वाली टेक्नोलॉजी है इसमें हर समय प्रकृति का नुकसान करते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं। आज की सारी दुनिया परेशान है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, माने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके दुष्परिणाम पर। तो भारत में जो टेक्नोलॉजी आई वो इस तरह की कि जो प्रकृति को ध्यान में रख के काम करे। यूरोप में जो टेक्नोलॉजी आई वो इस तरह की जो प्रकृति का नाश करे और काम करे। प्रकृति का नाश करके काम करने वाली टेक्नोलॉजी 100-200 साल से ज्यादा नहीं चलती, और प्रकृति का साथ देकर चलने वाली टेक्नोलॉजी हजारों साल चलती, उसी को सस्टेनेबल कहते हैं। तो भारत में जो टेक्नोलॉजी बनी वो सस्टेनेबल है, प्रकृति के साथ चलने वाली है, लेकिन उसकी स्पीड कम है।